क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 ईवीएस का एनिमल्स वर्ल्ड सबको मिल गया ना, शुरू करें? यस मैम। ओके वी सी मेनी एनिमल्स अराउंड अस। हम लोग बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तरह तरह के जानवर होते हैं। We see many animals around you. They are. बेटा आपको ऐसे नहीं करना है। We see many animals around us. Around यानी हमारे आसपास। We यानी हम, see यानी देखते हैं, animal यानी जानवरों को। और तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास हम बहुत सारे तरह तरह के जानवरों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस। और वो कैसे होते हैं? अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग अलग साइजेस में होते हैं, यानी कि बड़े जानवर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। एनिमल्स लाइक जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस, कैंगरूज, बियर्स एंड लायंस आर बिग एनिमल्स। तो जिराफ जानते हैं, एनिमल एलिफेंट जानते हैं, राइनोसोरस, कैंगरू और बियर, लायन, ये सारे जानवर कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं ना, छोटे छोटे तो नहीं होते, बड़े बड़े जानवर होते हैं ये। इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होता है? कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते उनको इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाई। बीज यानी कि जो मक्खी होती है और बटरफ्लाई यानी कि जो तितलियां होती है। तो इंसेक्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाईज आर वेरी स्मॉल एनिमल। तो जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे एलिफेंट, जिराफ, लायन, ये सब बड़े बड़े एनिमल्स हैं। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, बीज, मक्खियां, बटरफ्लाईज, ये सब छोटे एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे एनिमल जो कहाँ पर रहते हैं? लैंड यानी कि जमीन पर। तो वो एनिमल जो जमीन पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, लैंड यानी जमीन। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो जमीन पर ही रहते हैं। दे आइदर लिव विद अस इन आर होम और लिव इन फॉरेस्ट। तो वो जो जानवर जो जमीन पर रहते, सॉरी क्या हुआ? वो आई Some animals live on land. They either live with us in our homes or live in forest. So, जो animals जमीन पर रहते हैं वो या तो कोई कोई जंगल में रहते हैं, पता है आप लोगों को कि जंगल में कौन कौन जानवर रहते हैं, और कुछ जानवर हमारे आस पास या हमारे घरों में भी रहते हैं पेट की तरह। Domestic animal, अब domestic यानी कि घरेलू, domestic का मतलब होता है घरेलू, और घरेलू जानवर से मतलब है जिसको हम लोग पालते हैं। Animals that help us in our work or give food are called domestic animals. So, animals that help us, ऐसे जानवर जो हमें help करते हैं, हमें मदद करते हैं in our work or give food, हमें खाना देने के लिए हमारी help करते हैं या हमारे काम में हमारी help करते हैं, domestic animals. उनको क्या कहा जाता है? घरेलू जानवर कहा जाता है। We keep them near our homes or farms. हम उनको अपने घर के पास रखते हैं या फिर farms में रखते हैं। एनिमल को जहां पर ढेर सारे जहां पर एनिमल रखे जाते हैं उसको, उस जगह को फार्म कहा जाता है। Some domestic animals give us food and other useful things. जो कुछ जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो हमें खाना देते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। शीप, काउ, गोट, हॉर्स, डॉग आर डोमेस्टिक एनिमल। ये सारे जानवर क्या है? डोमेस्टिक है, जिनको हम पालतू बना सकते हैं, अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन से?
शीप, काउ, गोट, हॉर्स, डॉग, ये सारे एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड यानी कि जंगली, जंगली वही होगा जो जंगल में रहता होगा या फिर इंसानों से दूर रहता होगा। तो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में देखते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, ऐसे जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं, आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। इनको क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं, लायन, शेर, टाइगर, वोल्फ, बियर, फॉक्स, जैकाल, एलिफेंट, लंगूर, जिब्रा, हिप्पोपोटामस, ये सारे जानवर आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स। और यहाँ पर आपके बुक में देखिए ये इमेज बनी हुई है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स है, ये डोमेस्टिक एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है, पेज नंबर 17 पर। तो एलिफेंट की फोटो है यहाँ पर, जैकाल की है, फॉक्स की है और बियर की है, और यहाँ पे टाइगर भी है, लंगूर भी और हिप्पोपोटामस भी, ये सारे जानवर वाइल्ड हैं। अब एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर, अभी हमने पढ़ा एनिमल्स दैट लिव इन लैंड, ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं, अब ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, वॉटर में रहते हैं। Some animals live in ponds, ponds यानी कि तालाब, river, नदियाँ और seas, समुद्र। Animals that live in water are called aquatic animals. Aquatic यानी कि जो पानी में रहते हैं, जो पानी में जानवर रहते हैं उनको aquatic animals कहा जाता है। पानी में कौन कौन रहता है? व्हेल, ये देखो यहाँ पे आपके पेज नंबर 18 पर बुक में ये इमेज दी हुई है, व्हेल है, फिश है, ऑक्टोपस है, शार्क है, ये सारे एक्वेटिक एनिमल है यानी कि ये पानी में रहते हैं। फिर इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर, इंसेक्ट हमने बताया आपको, इंसेक्ट होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो जान होते हैं वो सारे इंसेक्ट कहलाते हैं। और दैट फ्लाई इन एयर, फ्लाई कौन करते हैं? बर्ड्स करते हैं। तो जो जानवर फ्लाई करते हैं आसमान, उनके बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट कौन कैसा होता है? इंसेक्ट एंड मॉस्किटो, कॉकरोच, यस मैम, ओके। तो एंड चीटी जानते हो, मॉस्किटो, कॉकरोच, ये सब छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, तो इन्हीं को इंसेक्ट कहा गया है। इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स, ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके छह पैर होते हैं, सिक्स लेग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हैव विंग्स, ज्यादातर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पास क्या होता है? विंग्स होते हैं। तो ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनके सिक्स लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। सम कॉमन इंसेक्ट आर एंट, मॉस्किटो, कॉकरोच, बीटल, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, बेड बग एक्सेट्रा, ये सारे ये मॉस्किटोज के या इंसेक्ट के नाम हैं। अब सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म यानी कि जैसे सिल्क का कपड़ा बनता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, हनी बी, हनी बी जो हनी देती है हमें, आर यूजफुल टू अस, ये दोनों जो इंसेक्ट है ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है, जैसे सिल्क का कपड़ा बनता है, और हनी बी से हमें शहद मिलता है, हनी मिलता है। दे फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, बर्ड्स हैव टू लेग्स व्हिच हेल्प देम टू वॉक, चिड़ियों के दो पैर होते हैं जिससे वो चल लेती हैं, और उनके पास विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ती हैं। Birds eat with their beak. They don't have teeth. Good morning. Good morning, beta. Most of the birds live on trees.
ज्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों पर रहती हैं, और बर्ड्स के दांत नहीं होते, उनकी जो उनके पास क्या होता है, बीज होता है जिससे वो खाने को च्यू करती हैं या खाती हैं। अब यहाँ पे आपको देखो पेज नंबर 18 पे सारे इंसेक्ट की इमेज दी हुई है, बीटल, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, बेड बग। अब ये बर्ड्स हैं स्पैरो, पैरेट, क्रो एंड पिजन। अब एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रह लेते हैं पानी में भी। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल, क्रैब एंड टर्टल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो मगरमच्छ होता है, मेंढक होता है, जो केकड़े होते हैं, और टर्टल कछुए जो होते हैं, ये सारे पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगते हैं और चिपकने वाले जो होते हैं। एनिमल्स विच हैव स्केल्स और हार्ड शेल्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, दे क्रॉल ऑन द अर्थ। ऐसे जानवर जिनकी बॉडी पर स्केल्स होती है यानी कि धारियां होती है, लाइंस होती है, एकदम बारीक लाइंस होती है, उनको क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं यानी कि रेंगते हैं। रेप्टाइल कौन है, स्नेक है, लिजर्ड है, टॉर्टोइज, सांप है, छिपकली और कछुए। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट। एक मिनट।